अर्ज किया है। इस वीडियो में पीएनसी को मर्ज करेंगे विद बाइनोमियल थ्योरम। इस वीडियो में पीएनसी को मर्ज करेंगे विद बाइनोमियल थ्योरम। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना और लगा देना अपनी पूरी दम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई ग्रुप ऑफ आइटम्स दिए हों और उन ग्रुप ऑफ आइटम्स में से कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हमको सिलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का क्या रोल है, किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बहुत आसान बना देते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन गिवन है, अमेजोन में आया था दोस्तों 2016 में, 60 सेकंड का टाइम था। 5 बुक्स दी हुई है दोस्तों मैनेजमेंट की, 3 बुक्स दी है इकोनॉमिक्स की, 3 बुक्स दी है मैथमेटिक्स की। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स इफ एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट इज टू बी टेकन। तो हमको दोस्तों एक बुक चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, एटलीस्ट एक बुक चाहिए दोस्तों। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने मैनेजमेंट की, हमने कहा 5 में से या तो एक बुक ले लें मैनेजमेंट की, 5 बुक्स हैं टोटल, या तो 2 बुक ले लें मैनेजमेंट की, या तो 3 बुक ले लें, या 4 बुक ले लें, या 5 बुक ले लें दोस्तों। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की 3 में से या तो 1 बुक ले लें, या तो 2 बुक ले लें, या 3 बुक ले लें दोस्तों। और मैथ्स की भी 3 बुक है तो या तो 1 बुक ले लें, या 2 ले लें, या 3 ले लें दोस्तों, राइट। तो हमने जो टोटल आंसर कैलकुलेट किया वो क्या है, 31 × 7 × 7 दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी सॉल्व किया था, तो किस तरीके से सॉल्व किया था उसके लिए आप पिछली वीडियो रेफर कर सकते हो ऊपर आई बटन दबा के दोस्तों। तो फिलहाल पर्पस मेरा कन्वेंशनल मेथड समझाने का नहीं था, आपको ट्रिक समझाने का था दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम से निकल करके आता है दोस्तों, एनसी नॉट से लेके एनसी एन तक 2 की पावर n आ जाता है दोस्तों इसका समेशन। तो दोस्तों हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो फिलहाल हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया, n की वैल्यू 5 दी है, तो 5c1 से लेके दोस्तों 5c5 का समेशन दिया है, राइट। तो अगर हम इसमें 5c0 ऐड कर दें, राइट, तो ये वही हो गया nc0 से लेके ncn तक, तो इसका जो समेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 to the power n, n की वैल्यू 5 है, राइट। अब 5c0 आपने यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे 5c0 आपको सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज हमको जो वैल्यू चाहिए वो 5c1 से लेके 5c5 तक है। तो इसको राइट हैंड साइड में ले गए 5c0 को, तो 2 की पावर 5 − 5c0 आ गया 32 − 1, which is nothing but 231. तो देखिए 31 ही आंसर भी आया था पहले। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर अपन 3c0 को ऐड कर दें, राइट, तो 3c0 से लेके 3c3 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 की पावर 3। अब 3c3 0 लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3c1 से लेके 3c3 तक की वैल्यू आ गई दोस्तों, 2 की पावर 3 हो गया 7, 8, और 3c0 की वैल्यू दोस्तों 1 हो गई, अगेन 7 आएगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि हमने एनसीआर की शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्टली आप एनसीआर कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, बट अगेन जितना शॉर्टर आप सॉल्व कर सकते हो उतना आप सॉल्व करो, बिकॉज अल्टीमेटली टाइम ही है जो मैटर करता है दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट्स में, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको लॉजिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ दोस्तों, कि आप किस तरीके से अपना लॉजिक यूज करते हैं, तो उस वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। बट उससे पहले हम इस प्रूफ को देखते हैं दोस्तों, NC0 से लेके NCN का जो समेशन है वो 2 की पावर n कैसे आता है, प्रूफ समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई लोग फाइनल रिजल्ट भूल जाते हैं, राइट। तो प्रूफ के भी 2 मेथड हैं दोस्तों, कन्वेंशनल मेथड एंड इंजीनियस मेथड। तो इंजीनियस मेथड बहुत ही लॉजिकल मेथड है, अगर वो आपको समझ आ गया तो वो आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं दोस्तों, तो वो भी हमने वीडियो के एंड में डिस्कस किया। फिलहाल कन्वेंशनल मेथड समझते दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम हमने 11th और 12th क्लास में पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी हो तो हम अभी डिस्कस करेंगे उसको भी हम अपकमिंग वीडियोज में। तो x + y की पावर n का दोस्तों ये टोटल फॉर्मूला होता है, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर अगर हम x एंड y की वैल्यू दोस्तों 1 1 रख दें इस फॉर्मूले में, राइट, तो 1 + 1 की पावर n, यहाँ से NC0, ये पूरी टर्मिनोलॉजी आ गई दोस्तों, राइट। तो अगर आप यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो NC0 से लेके NCN तक का जो समेशन है वो 2 की पावर n निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो जो मेथड मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो आप समझ लीजिए,
आपको ना कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना कुछ, आपको बेसिक अपना लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन वही है दोस्तों, मैं अभी एटलीस्ट वन बुक सिलेक्ट करने की बात की, अभी मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा दोस्तों। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की हमारे पास फाइव बुक्स हैं, लेट से हमने M1, M2, M3, M4, M5 ले लिया नाम, राइट। अब हम टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस देख रहे हैं, तो M1 के पास दो ऑप्शन है, हम M1 को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, या तो हम M1 को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से M2 के पास भी दो ऑप्शन है, सिलेक्ट रिजेक्ट, M3 के पास भी दो, M4 के पास भी दो, M5 के पास भी दो। तो M1 के पास दो, M2 के पास दो, M3 के पास दो, M4 के पास दो, M5 के पास दो, तो 2 की पावर 5 ऑप्शंस हैं दोस्तों टोटल हमारे पास, हम इन 5 बुक्स को सिलेक्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हमको एटलीस्ट वन सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो एटलीस्ट वन के लिए एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जब भी एटलीस्ट वन का क्वेश्चन आएगा तो हम टोटल केसेस में से वो वाले केस हटा देंगे जब जीरो सिलेक्ट किए, बिकॉज हमको एटलीस्ट वन सिलेक्ट करना है, तो अगर टोटल में से जीरो सिलेक्ट करें तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल केस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 की पावर 5 माइनस जीरो, 5 में से जीरो सिलेक्ट करना है, तो विच इज नथिंग बट 2 की पावर 5 माइनस 5 से जीरो की वैल्यू 1 हो गई दोस्तों, 32 माइनस 1 विच इज अगेन 31 आ गया दोस्तों, राइट। इसी तरीके से अगर अपन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के केस में आ जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 7, एंड मैथ्स के केस में भी 2 की पावर 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 7 है दोस्तों। ये आप होमवर्क के फॉर्म में कर सकते हो, यही सेम मेथड हमने अप्लाई किया है, राइट। तो अगेन आंसर 31 × 7 × 7 विच इज नथिंग बट 31 × 49 विच इज नथिंग बट 1519, मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो 1519 दोस्तों इसका आंसर है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ इंजीनियर्स मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ, आपको बेसिकली सेट थ्योरी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। जिसको भी सेट थ्योरी नहीं आती है, जिन्होंने सेट नहीं पढ़े, आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, कोई बात नहीं है, आप फिर भी इसको समझ सकते हो दोस्तों। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ, सेट का नाम मैंने ए दे दिया दोस्तों। उसमें एलिमेंट क्या है, A1, A2, A3। सेट क्या है, कुछ नहीं, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, An तक हमने ऑब्जेक्ट ले ली। अब मैं एक बहुत बड़ा सा कंटेनर ले रहा हूँ दोस्तों, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन एन में से जीरो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये एन ऑब्जेक्ट है, जीरो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मतलब क्या सिलेक्ट किया हमने, 5 को सिलेक्ट किया, राइट। अब एन में से वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, आप A1 सिलेक्ट कर सकते हो, A2 सिलेक्ट कर सकते हो, अप टिल आप An सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब इन एन में से टू ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो लेट से हमने A1 A2 सिलेक्ट कर लिया, A1 A3 सिलेक्ट कर सकते हैं हम, A2 A3 सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन। इस तरीके से अब एन में से एन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो क्या हो गया हमारे पास, A1 A2 अप टिल An, राइट। अगर आप इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, अगर ये सेट A है तो ये जो पूरे कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को हम पावर सेट ऑफ A बोल देते हैं। अब ये भी बात हमने पढ़ रखी है दोस्तों, अगर सेट A में N एलिमेंट्स हैं, सेट A की कार्डिनेलिटी N है, तो पावर सेट ऑफ A की कार्डिनेलिटी दोस्तों क्या हो जाती है, 2 की पावर N, राइट। तो ये जो पूरे एलिमेंट्स इन टोटल आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं, 2 की पावर N आ रहे हैं, और ये क्या है, इन सब का समेशन ही तो है ये सारे एलिमेंट्स दोस्तों। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो 2 की पावर N आ गई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सेट थ्योरी में अगर आप वीक हो कोई दिक्कत नहीं है, इस मेथड को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। कन्वेंशनल मेथड्स में ऑलरेडी प्रूफ डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। तो ये अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वोवल एंड कॉन्सोनेंट टाइप क्वेश्चन दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कैटेगरी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक IT कंपनी में पूछी गई है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि नॉलेज गेट पे हम एप्टीट्यूड सीरीज चला रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यूट्यूब पे जाके नॉलेज गेट टाइप करना है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एवरेजेस भी डिस्कस कर रखे हैं दोस्तों, टाइम एंड वर्क भी डिस्कस कर रखा है, एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर रखा है दोस्तों। तो प्लीज इन सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारी IT कंपनीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किए। उसके अलावा आप इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आप जाओगे तो यहाँ आपको टाइम एंड वर्क एंड एवरेजेस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके आप उनको एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हो हर वीडियो के एंड में हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्विज 7 आपकी स्क्रीन पर ये रही दोस्तों, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और तीनों क्विज के आंसर्स मेरे को बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आंसर्स वेरीफाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो अभी कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखिए। क्विज 6 के आंसर्स आपकी स्क्रीन पर आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। अगर आपने क्विज 6 सॉल्व नहीं की हो तो आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो के एंड में क्विज 6 है दोस्तों। तो बहुत जल्दी मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।